हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू किचन, जिसमें अपने सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं और अभी तैयारी करने जा रही हूँ खाने की। हस्बैंड का ऑफिस तो शिफ्टिंग के अगले दिन ही स्टार्ट हो गया था। वेंसडे हमारी शिफ्टिंग हुई और थर्सडे से उनका ऑफिस स्टार्ट हो गया था, तो बस धीरे धीरे किसी तरह काम चल रहा है। अभी तक मैं ये नहीं कह सकती कि हम पूरी तरीके से सेटल हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सामान है जिनको सेटल करना है। और पता है, ऐसी नई जगह पे जाना तो समझ ही नहीं आता है। हालांकि हम एकदम उसी स्पेस में आए हैं, बट मेनली किचन का सामान या फिर अलमीरा भी हमने कुछ जैसे डिज़ाइन चेंज करवाया है, तो फिर समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ रखो, थोड़ा सा तो लगता ही है। तो अभी पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, किचन मैंने इतना कर लिया है कि वो अच्छी तरीके से फंक्शनल हो और कहाँ कौन सा सामान रखा है मुझे याद हो, उसके हिसाब से मैं अपना जो कुकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकूँ। सुबह का जो खाना पीना होता है उसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो। और सिद्धार्थ के स्कूल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो भी है कि वो भी हमें अभी करना है, उसकी ड्रेस, उसकी बुक्स, ये सारा काम भी बीच बीच में चल ही रहा है। और अभी सुबह सुबह मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, जो सूखी वाली बनती है। तो लोहे की कढ़ाई में सूखी आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत यम, टेस्टी, डिलीशियस बनती है। तो बस इसी में बनाऊंगी और यही हस्बैंड के टिफ़िन में रहेगा, रोटी सब्ज़ी। सिंपल सिंपल ही खाना बन रहा है काफ़ी दिनों से। तो आज शाम को हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, हालांकि सुबह सोचा था, लेकिन क्या होता है ना, सुबह एक तसल्ली वाला मील नहीं हो पाता है किसी का भी। फुल फैमिली जब तक तसल्ली से बैठ कर किसी स्पेशल खाने को इंजॉय ना करे, तब तक वो मज़ा नहीं आता। कोई भी अच्छा खाना है सुबह सुबह जल्दी जल्दी में बना लो, ऑफिस वाले ऑफिस चले गए, स्कूल वाले स्कूल चले गए, आप अकेले बैठ के खा रहे हो, तो पता नहीं क्यों कितना भी टेस्टी खाना हो उसका स्वाद थोड़ा कम सा लगता है। तो कोई भी स्पेशल अगर खाना बने तो वो शाम के समय बने या छुट्टी वाले दिन बने, जब सब लोग एक साथ गैदर होकर उसको इंजॉय कर पाएँ, मज़ा तो तभी आता है। तो पहले तो मन में आया था मेरे भी, माँ के भी, कि चलो अभी सुबह ही बनाते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, हम शाम को ही बनाएंगे। तो सुबह की ये कुकिंग निपटाई, रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई, और इसके बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस के लिए। थोड़ा सा किचन वगैरह क्लीन करके मैं आ गई हूँ ये जो मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामने। कुछ कुछ सामान अभी बचा हुआ रखा है, इसमें कुछ कपड़े हैं और ज़्यादातर इसमें ड्रेसिंग टेबल का मेरे सामान है। कुछ बेडशीट वगैरह के बैग हैं जिनको मुझे अरेंज करना था, अभी नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा ये क्लटर मैं यहाँ से हटा देती हूँ, सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख देती हूँ। मेनली जो ड्रेसिंग टेबल का सामान है वही है, इसमें सारा अरेंज नहीं हुआ था उस दिन, तो ये बचा हुआ था, कार्टन्स में ही रखा हुआ था, तो बस इनको फटाफट मैं अरेंज कर लेती हूँ। साथ के साथ जो एक्सपायर मेकअप सामान है वो सब मैं चेक करते जा रही हूँ और उनको एक बैग ले लिया है मैंने, उसके अंदर रखते जा रही हूँ और उनको थ्रो कर दूँगी मैं। और ड्रेसिंग टेबल मेरा लगभग सारा अरेंज हो ही गया है। बीच में पापा को खाना देने के लिए मैं आई थी, पापा नहाते हैं वही 10:30, 11:30, 12:30 बजे ही वो खाना खाते हैं, क्योंकि वो दिन में दो बार ही खाना खाते हैं। मैंने पहले भी इस चीज़ को मेंशन ज़रूर किया होगा
कि वो सुबह का ऐसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं करते हैं, उनका एक ब्रंच होता है हैवी अच्छा जिसमें दाल चावल सब कुछ होता है, देन फिर डिनर होता है, और बीच में जैसे चाय के समय 5-6 बजे थोड़ा स्नैक्स हो गया, कुछ चूरा उरा तो वो खा लेते हैं। तो उनको मैंने खाना दिया और यहाँ पर मैंने बेड सुंदर सा अपना लगा दिया है, काफ़ी दिन बाद इतना मतलब क्लीन बेड देखने मिला, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ रखा ही रहता था। साथ ही मैंने अरेंज कर दिया अच्छे से ड्रेसिंग टेबल भी, तो वो एरिया भी मेरा क्लीन हो गया था। उसके बाद फिर मैं अपना जो काम है यूट्यूब से रिलेटेड, आप लोगों को वीडियो भेजना, वॉइस ओवर करना, ये सारा काम फिर मैं करते गई। और फिर अभी मुझे फुर्सत हुई है शाम को, तो शाम को मैंने सोचा चलो आज मंदिर का भी सारा अरेंजमेंट अच्छे से कर देते हैं। एक तो जैसे मैंने पहले बताया, 1-2 महीने से अच्छे से मैं किसी भी चीज़ में किसी भी कॉर्नर में अपने घर के अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई थी, तो हर चीज़ एक एक्स्ट्रा अटेंशन मुझसे मांग ही रहा है अभी। तो ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स हैं जिनके अंदर मैं प्लास्टिक वाले जो हैं इनके अंदर मैं अपना सारा पूजा का सामान रखती हूँ, तो इसके अंदर भी सारी चीज़ें इधर उधर बिखर गई थी, जो अच्छे से रखी थी वो भी बिखर गई थी, कुछ विसर्जन वाली चीज़ें पड़ी थी। तो अलग अलग इसको सेग्रीगेट करने के लिए जब मैंने इसको खोला तो देखा अरे ये तो बहुत ही गंदा है, तो मैंने सोचा चलो इसको डिसमेंटल करते हैं और चल के अच्छे से इसको रगड़ के वॉश करके तभी मैं इसके अंदर सामान रखूँगी। तो किसी भी आप काम को टच करो ना तो 5 मिनट सोच के करो तो 15 मिनट का बन ही जाता है। फिर फटाफट मैंने इसको किया क्लीन और उसके बाद इसको सूखने रखा, और उसके बाद फिर मैंने सारा जो अपना मंदिर है वो अच्छे से अरेंज कर दिया और हर चीज़ को अच्छे से सेग्रीगेट कर दिया। और आज जो स्पेशल खाना जिसकी सुबह मैं बात कर रही थी वो था लिट्टी चोखा। और आज मैं ना लिट्टी चोखा ऐसा वैसा नहीं, एकदम बढ़िया वाला लिट्टी चोखा बना रही हूँ, वो जो गोल वाला लिट्टी चोखा होता है जिनको पका के बनाया जाता है वो वाला बना रही हूँ। तो गांव में बस खाते हैं जब भी हम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आप कंडे ला सकते हो, ना ऐसे आग लगा सकते हो, ना आप उसमें सेक सकते हो लिट्टी, तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। या तो आप उसके पराठे बना के या पूरी बना के फ्राई करके खाओ, वही होता है। आज मेरे दिल में आया ना कि एयर फ्रायर में चलो ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये बैंगन इनको ग्रिल करने के लिए लगा दिया था, तो बैंगन और टमाटर मैंने ग्रिल कर लिए उसमें, और उसके बाद जो हम लिट्टी भी बनाएंगे वो भी मैं एयर फ्रायर पे बनाऊंगी। तो ये तो मैंने ग्रिल वाले पे बनाया था, ग्रिल मोड जो है उसका, और एयर फ्राई मैंने लिट्टी को किया था, तो वो आगे दिखाऊंगी। और इतना अच्छा रिज़ल्ट मैंने एक्सपेक्ट ही किया था कि एयर फ्रायर में इतनी अच्छी लिट्टी बनेगी। इवन माँ पापा तो अक्सर वहाँ पे लिट्टी खाते रहते हैं, वो ऑथेंटिक वाली आग वाली जो कोयले पे सेकी जाती हैं, कंडों पे सेकी जाती हैं, उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं क्या बताऊँ। वो कह रहे कि इतनी बढ़िया लिट्टी बनी है ना, बहुत ही अमेजिंग लिट्टी बन के तैयार हुई थी। तो एक जो बिहार से बिलोंग करते हैं ना, उनको अगर ऐसी बढ़िया अच्छी लिट्टी खाने मिल जाए ना, तो उनका अलग ही एक खुशी का लेवल होता है। वही लेवल मेरी बातों से आपको झलक रहा होगा। तो बहुत 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 यम लिट्टी बनी थी, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और आज पता है माँ पापा को मैंने सोचा कुछ दिखाते हैं, टीवी पे बैठे हुए थे वो लोग, तो मैंने लगा दिया मुकबैंग, या मुकबैंग क्या बोलते हैं उसको जिसमें ईटिंग शोज होते हैं जो, तो माँ पापा के लिए इतना सरप्राइजिंग था कि ऐसे कैसे खा सकते हैं, इतना कैसे खा सकते हैं। और उन्होंने मतलब उस शो को बहुत इन्जॉय किया। मैंने कई लोगों के चैनल्स पर ईटिंग शो उनको 4-5 वीडियोस दिखाई और वो इतना हैरान होकर देख रहे थे, उनके लिए बड़ी नई चीज़ थी। जैसे हम लोग तो अब देखते रहते हैं, जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था तब हमें भी लगा था, बट अब हमको पता चल गया कि हाँ ये ऐसे वीडियोज़ होते हैं। तो माँ पापा एकदम हैरान थे देख करके, और अच्छा भी लग रहा था उनको। मुझे तो देखने में अच्छा लगता है, मुकबैंग्स में कभी कभी ज़रूर देखती हूँ। तो माँ पापा एकदम हैरान होके देख रहे थे कि इतना कैसे, मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में खाना कैसे खा सकते हैं। तो बस अभी इस टाइम प्रेजेंटली डिस्कशन का टॉपिक वही है, हम लोग देख रहे हैं वीडियोज़ बैठ के और बस उसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ के साथ यहाँ पर मेरी धनिया भी सुधर गई है,
तो चलिए फटाफट अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए यहाँ पे हर चीज़ मैंने वॉश करके रख ली है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्च ली है और हरी धनिया ली है। और माँ ने आके बताया कि अरे तुम अदरक डालना तो भूल ही गई, तो फिर मैंने अदरक भी वॉश करके लिया। सच्ची भूल गई थी मैं, अदरक जाती है इसमें। और नींबू नहीं था घर में, तो वही नींबू और बैंगन पापा माँ लाने गए थे, वही लेकर आए हैं सब्ज़ी। तो बैंगन क्योंकि बहुत ज़रूरी है और नींबू उतना ही ज़रूरी है, जब लिट्टी बनती है नींबू बिना काम नहीं चलता है लिट्टी बनाने में। तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से महीन करके चॉप करना है, तो मैंने चॉपर ले लिया है और उसी के अंदर मैंने बढ़िया तरीके से महीन कर लिया है उसको। सारी चीज़ें एक साइज़ की हो जाएंगी, छोटी छोटी हो जाएंगी, तो फिर भरने में भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये जो सत्तू है ये थोड़ा सा माँ लेकर के आई थी, तो उनसे पूछने गई हूँ मैं कि कितना डालूँ सत्तू, तो उन्होंने बोला बस एक चम्मच छोड़ के सारा ही डाल दो। तो ये सत्तू डाला है मैंने, इसके अंदर नमक हम ऐड करेंगे, उसके बाद जाएगा इसके अंदर अजवाइन और कलौंजी जो होती है नाइजेला सीड्स वो डाल दीजिए आप। यहाँ पे ये जो हमने सारी चीज़ों को कट करके चॉप करके रखा है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और सरसों के तेल के बिना तो लिट्टी में कोई मज़ा नहीं है। और मुझे लगता है जितना भी बिहार और यूपी का खाना होता है उसमें सरसों के तेल का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इवन बंगाली फूड में भी सरसों के तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर कच्चा सरसों का तेल काफ़ी पसंद किया जाता है। तो बस सरसों का तेल ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर लेमन लिया है, तो पहले 1.5 डाला, टेस्ट किया अच्छे से मिक्स करके, और फिर मुझे कम लगा लेमन, तो फिर मैंने जो हाफ बचाया था उसको बाद में ऐड कर दिया था। तो ये जो मिश्रण है इसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नमक, मिर्च, खटास और साथ में सरसों के तेल का जो फ्लेवर होता है उसको भी आपको टेस्ट करके एक बार देखना पड़ेगा कि किस चीज़ की कमी है। अदरवाइज़ एक बार आप फिल करके बना दो तो आप कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। सब्ज़ी तो नहीं है ना कि उसमें थोड़ा सा गर्म मसाला मिला देंगे, ऊपर से लाल मिर्च डाल देंगे या नमक ऐड कर देंगे। ये ऐसी चीज़ है जिसको भर के बनाना है हमें, तो जो भी फिल करके बनाने वाली चीज़ें होती हैं उसमें हमेशा थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर कर लें आप, और उसके बाद ही उसको फिल करके बनाएं। तो बस मैंने थोड़ा माँ को टेस्ट कराया, मैंने टेस्ट किया, जो मुझे कमी लगी वो मैंने ऐड कर दिया। बस ये हमारा जो स्टफिंग है बन के तैयार है, और अब बना लेते हैं हम लिट्टी के लिए आटा। यहाँ पे नमक डाल दिया है मैंने आटे के अंदर, थोड़ा सा सिर्फ एक चम्मच मोयन के लिए ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। अच्छे से मोयन को मिला लेंगे और उसके बाद नॉर्मल सॉफ्ट आटा गूंथ करके हम तैयार कर लेंगे। और बस उसके बाद फिर हम यहाँ बैठे हैं आराम से, माँ और मैं दोनों मिल करके लिट्टी को करने वाले हैं फिल। और ये काम आराम से बैठ के करो तभी अच्छा लगता है। जैसे हम लोग ना रोटी के लिए आटा लगाते हैं ठीक वैसे ही आपको आटा चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। और जैसे हम लोग लोई बना के उसके अंदर स्टफिंग को फिल करते हैं, फिर या तो उसको पूड़ी का रूप, कचौड़ी का रूप या पराठे का रूप दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको उस लोई को अच्छी तरीके से सील करना है और हल्का सा गोल कर देना है। बस हमारी लिट्टी बन गई, बहुत कम मेहनत है। और अगर आग वगैरह पे या उपलों पे बनाना पड़े तब तो बहुत मेहनत लगती है लिट्टी बनाने में। इसके बाद का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है, बहुत मतलब उसमें थोड़ा स्किल्स भी चाहिए, अदरवाइज़ लिट्टी जो है वो जल जाती है। थोड़ा पार की नज़र आपको रखनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास OTG माइक्रोवेव या फिर एयर फ्रायर भी है ना तब भी आप इसको बनाइए, बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। खासकर जो मैंने एयर फ्रायर में बनाया उसका रिज़ल्ट तो आप अभी देख ही लेना। तो इस तरीके से कुछ फिल करके हमने तैयार कर लिया है, देन इसको थोड़ा सा मैंने इस पे प्लेट पे ना ग्रीसिंग कर दी है ऑयल से, और उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से लिट्टी प्लेस कर दिया है। और इसको मैंने 15 मिनट के लिए फुल जो 230 डिग्री टेम्परेचर है आपके ओवन में उतना कर दीजिए, और एयर फ्राई मोड पे मैंने इसको डाला हुआ है अभी। इसमें एयर फ्राई भी हो जाता है, ग्रिल भी हो जाता है और बेकिंग वगैरह भी हो जाती है, तो मैंने एयर फ्राई पे डाला हुआ है। तो अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उस पर आसानी से कर सकते हो। और मुझे लगता है 14 मिनट में ये एकदम डन हो गई थी। पीछे से भी हो गई, पक गई माँ, पक गई।
एक बार देखो आपने बड़ी जल्दी बन गई। पहली बार बनाया फूट गया मतलब अच्छे से पक गया ना। कैसा पक गया बड़ा बढ़िया पक गया अच्छा बना ना सब पक गया इतनी बढ़िया पक्की हुई बनी हुई लिट्टी देख करके मेरा माँ का दोनों का मन हो गया बड़ा खुश। फिर हमने बनाया खुशी खुशी चोखा जो माँ ने बनाया उनके स्टाइल में, और ये तो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनाती है माँ। जब भी हम लोग वहाँ भी लिट्टी चोखा बनाते हैं गाँव में जा कर के ना, तभी भी माँ बनाती हैं, और ये टेस्ट जो है इन्हीं के हाथ से आता है भाई, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो होता तो बहुत सिंपल है ये, लेकिन कहते हैं ना हर किसी के हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है। तो बॉयल आलू कर लिया था, टमाटर दो टमाटर काफ़ी बड़े और जूसी टमाटर मैंने ग्रिल किए थे बैंगन के साथ में, वो ले लिए हैं, दो बैंगन ले लिए हैं, और जो मसाला हमने बनाया था अदरक हरी मिर्च हरा धनिया प्याज ये सारा वही मसाला जो हमने लिट्टी की स्टफिंग में यूज़ किया वही थोड़ा बचा लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया। फिर इसके अंदर जाएगा नमक और सिर्फ सरसों का तेल बस, और ये सब डाल के अच्छे से मसल मसल के इसको मिला देना है। इसमें ज़्यादा कुछ जाना ही नहीं है, बस यही सारी चीज़ें इसमें जानी है। अभी ज़रा इसको थोड़ा क्लोजली देख लीजिए कितनी अच्छी लिट्टी बनी थी, बड़ा अच्छा कलर आया था, और ये एकदम परफेक्टली पकी हुई लिट्टी है, बिल्कुल भी अंदर से कच्ची या कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से पकी हुई लिट्टी थी। और इस गरम गरम लिट्टी को आप इस चोखे के साथ खाइए देसी घी के साथ में, तो बस मज़ा ही आ जाता है। लिट्टी को हाथ से ना हल्का सा क्रश कर लीजिए, जब वो गर्म हो तभी हल्का सा फोड़ लीजिए, ताकि जब आप इसके ऊपर घी को पॉर करें तो वो अंदर तक अच्छे से जाए। घी को हल्का सा पिघला लेना है, अगर थोड़ा सा जमा जमा सा घी है तो उसको पिघला लीजिए और ऐसे पॉर कीजिए, एकदम कंजूसी नहीं करना है। एक लिट्टी में आप एक चम्मच घी से डेढ़ चम्मच घी तक डाल सकते हो, और जितना घी डालोगे उतना इसका टेस्ट इन्हेंस होगा और उतनी ही ये अमेजिंग लगेंगी खाने में। तो बस इसके साथ किसी तीसरी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लिट्टी चोखा इनफ है पेट भरने के लिए भी, और टेस्ट तो मतलब खा के मज़ा आ जाता है, लिट्टी चोखा ऐसा होता है ये खाना। और आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत अच्छे से परफेक्टली पकी हुई है। ये बाइट आप सभी लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने अभी तक ऐसे लिट्टी बना के ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, एकदम देसी ऑथेंटिक टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। और बस हम सभी बैठ के अब इंजॉय करने जा रहे हैं गरम गरम लिट्टी गरम गरम घी के साथ में और चोखे के साथ में। जब से मम्मी पापा आए ना, जैसे हर बार जब भी वो आते थे तो बहुत स्पेशल स्पेशल कुछ खाना बनाया खिलाया, हर समय का हमारा कुछ ना कुछ प्रोग्राम बना ही रहता था, चलो आज ये बनाते हैं वो बनाते हैं, बट इस बार वो सब कुछ हो ही नहीं पाया। हाँ कुछ चीज़ें बीच में मैंने बनाई हैं, लेकिन वो कहते हैं ना उस फोर्स के साथ जैसे पहले होता था वो नहीं हम लोग उतना ज़्यादा खाना पीना बना पाए। जैसे मैं बहुत तरह के पराठे वराठे बनाती थी, पापा को काफ़ी पसंद आते हैं, या इडली ही उनको बहुत पसंद है तो कई बार बना देती थी, वो नहीं हो पाया। तो अब हम फाइनली इस घर में आए हैं तो वो सारी जो कसर है वो पूरी की जाएगी, और उसकी शुरुआत हमने की है ये अपना देसी बिहारी खाने से लिट्टी चोखा के साथ। तो इस घर में नए घर में हमारी ये पहली लिट्टी पार्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और लिट्टी देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाकी मैं मिलती हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।